बिहार, असम और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बेहाल है लोग। मंगलवार शाम तक बिहार के 16 जिलों में 34 और असम के 33 जिलों में 17 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि उत्तर प्रदेश में 14 लोग जान गंवा चुके हैं और वहीं असम और बिहार के 72 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग ने केरल में अगले 24 घंटों में 204 मिमी यानी कि करीब 20 सेंटीमीटर तक बारिश की चेतावनी दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए सहायक राशि देने की घोषणा भी की है। और वहीं मौसम विभाग ने असम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने राहत और बचाव के लिए 251.55 करोड़ रुपए की सहायक राशि जारी की है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमो उत्तर क्षेत्र में सक्रिय होने से पंजाब के विभिन्न जिलों में पिछले 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को बटिका में 7 घंटे हुई लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। वहीं सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे तक 178 mm बारिश हुई, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश का पानी हरियाणा के नदी नालों में पहुंच गया है। बारिश और क्या कहलाती है, इसकी जानकारी के लिए तुरंत ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए।